जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कई मुद्दों के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था। कर्नाटक में जो सरकार थी वो देश के सबसे भ्रष्ट सरकार थी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने अथक प्रयास कर लिया, लेकिन सब ने एग्जिट पोल तो देख ही लिया। अब 24 घंटे बचे हैं, कर्नाटक में बीजेपी एग्जिट पोल से भी ज़्यादा सीटों पर हारेगी, उनका पूरा तिलिस्म ढह जाएगा। वहीं ललन सिंह ने कहा कि देश में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र स्थापित कर दिया है। बीजेपी के लोकतांत्रिक विरोधी चेहरे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो गलत हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही ललन सिंह ने दावा किया कि बीजेपी कर्नाटक में चुनाव तो हारेगी ही, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी चुनाव हारेगी और 2024 में तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ललन सिंह आरसीपी सिंह पर भी बोले और कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि आरसीपी सिंह टैक्स क्या था। सुनिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को। सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दोनों निर्णय जो संविधान पीठ का है वह केंद्र सरकार का जो चेहरा है उसको उजागर कर रहा है और इन दोनों जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनके जो सिपा सलार देश के माननीय गृह मंत्री जी, इन दोनों ने देश की सभी संस्थाएं को अपना पॉकेट संस्था बना के रखा, उन सबों पर सभी संस्थाओं पर इनका अघोषित नियंत्रण था। जो राज्यपाल होते हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, उनके माध्यम से चुनी हुई सरकारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ये बात करते थे भ्रष्टाचार की। जितने इनके पालतू तोते हैं उन सब पालतू तोते का इस्तेमाल करते थे ये अपने विरोधी लोगों के खिलाफ। तो ये देश की जो लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था थी, जो लोकतंत्र देश का आज खतरे में था इन लोगों के कारनामों के कारण, अघोषित आपातकाल इन लोगों ने लागू किया था। और हम सलाम करते हैं इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जिसने इस देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने वाले लोगों को आईना दिखाते हुए देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया। लोगों को यह गलत फहमी नहीं हो कि लोकतंत्र के यही रक्षक है। सारे काम जो देश का इतिहास बदल रहे हैं, देश में कोई काम नहीं हो रहा है। आप बताइए, देश में देश की सरकार है, देश की सरकार ने एक मिनट भी महंगाई पर चर्चा किया क्या? केंद्र सरकार के किसी मंत्री का
एक बयान भी आप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने के का एक भी वक्तव्य ये नहीं था कि हम बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, तो न महंगाई पर ये बोलेंगे, न बेरोजगारी पर बोलेंगे, न 81,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट घोटाला होगा उस पर मौन धर्म व्रत धारण कर लेंगे। सत्यपाल मलिक जी जो इन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया पुलवामा के घटना के बारे में, एक शब्द तो कोई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बोला। अरे भाई आप डिनाई भी करते, आप कहते कि गलत है यह भी कहते, सच है तो यह भी कहते कि सच है, हमसे भूल हो गई, देश की जनता से माफी मांग लेते। 40 जो जवान इस देश के शहीद हो गए उनके परिवारों से क्षमा मांग लेते, कुछ नहीं, मौन व्रत धारण किया और बोलना क्या है। देश के सारे भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, अरे आप कर्नाटक का चुनाव, आप में से कई लोग कर्नाटक के चुनाव को देख रहे होंगे नजदीक से, पूरे कर्नाटक के चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, इसलिए कि वहां की जो सरकार थी देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार, और वहां भ्रष्टाचार की चर्चा जब आम लोगों में होने लगी तो उसको ढकने के लिए इन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू किया। भाई हमने तो बहुत सा चुनाव देखा है, 68 साल उम्र हो गया तो इसने बहुत चुनाव देखे, आज तक किसी चुनाव में और किसी देश के प्रधानमंत्री को उस तरह का चुनाव प्रचार हमने करते हुए नहीं देखा। धार्मिक उन्माद फैलाने का जो क्लाइमेक्स होता है वो प्रचार कर रहे थे, दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दबाओ। अरे ये देश के प्रधानमंत्री को किस स्तर पर आप ले जा रहे हैं, ये निम्नतम स्तर का प्रचार है। आप गरिमा है उस पद की, जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं उस पद की गरिमा है, उस पद की गरिमा को तो कम से कम अक्षुण्ण रखिए। नहीं तो ये सब का दिल्ली में क्या कर रहे थे, भाई ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई चुनी हुई सरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नियुक्त होता है वो कैसे कंट्रोल करेगा, उसको कैसे काम करने का हक नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में क्या कहा, राज्यपाल के भूमिका जो है उसको संदिग्ध माना और राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध माना, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे जी ने फ्लोर टेस्ट किए बिना इस्तीफा दे दिया था इसलिए हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि भाई हमने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, तो आज नैतिकता किसके लिए है, आज नैतिकता एकनाथ शिंदे जी के लिए, एकनाथ शिंदे जी को भी उसी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और महाराष्ट्र में फिर चुनाव का घोषणा कर देना चाहिए, चुनाव होगा। लेकिन ये सब चीज किसी चीज से मतलब नहीं, कर्नाटक में इन लोगों ने अथक प्रयास कर लिया लेकिन अब 24 घंटा बचा है। एग्जिट पोल तो आप लोग देख चुके हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरी जानकारी है एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा संख्या से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार है, तो आपका सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे, आपका पूरा तिलस्मा खत्म हो रहा है, इसलिए अब इंतजार करिए 2024 का और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होगा वहाँ भी हारेंगे बुरी तरह। हम गए थे मध्य प्रदेश में, वहाँ के लोगों से हमने
जो अनुभव लिया, लोगों का मानना है कि ये सरकार को जाना चाहिए। मध्य प्रदेश भी आ रहेगा, सब आ रही है, और 2024 में तो फिर आपका सफाया होना ही होना। तो इसलिए मेरा कहना है कि आज इस देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, और लोकतंत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया। भ्रष्टाचार पर जो आप ड्रामा करते हैं, आपकी अपनी पार्टी भ्रष्टतम पार्टी, जो कर्नाटक की जनता ने बता दी। अब बिहार में आप एक बार बताइए जरा, 2017 में छापा मरवा रहे थे तो 2017 में हम लोग अलग हो गए, तो 5 साल कुछ नहीं हुआ। 5 साल कुछ हुआ 2017 से 2022 तक, बताइए आप ही लोग, कोई बताइए, एक आदत नहीं हुआ। और जैसे ही फिर 2022 में हम लोग साथ हो गए, फिर शुरू। ये क्या है, ये पालतू तूतों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ठीक कहा अभी जो ईडी के जो अखबारों में हम लोगों ने देखा, ईडी का जो एक्सटेंशन ये लगातार दिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाह भाई, तो ये आदमी अगर नहीं रहेगा तो ईडी संस्था समाप्त हो जाएगी, तो ईडी नहीं चल सकता है। ये हाल है, लेकिन करेंगे कैसे, वो सब फालतू है। तो फालतू को छोड़ के कोई नया वो काहे के लिए लाएगा। तो इसलिए आज फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश में लोकतंत्र स्थापित किया है। इनके लोकतांत्रिक विरोधी चेहरे को, जो देश में सारी संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, सारे पालतू तोतों का जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, उनको अपने नियंत्रण में ले रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे थे, सब पर लगाम कसने का काम किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और फिर से इस देश में लोकतंत्र स्थापित। सर, आप लोग के पुराने साथी आशीष सिंह कल भाजपा में ज्वाइन कर, उन्होंने नीतीश जी के बारे में बोला थ्री सीट के अलावा एक और सीट जोड़ा की चेयर उनको ज्यादा प्यारा है। देखिए, आरसीपी सिंह साहब के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, और हम कई बार कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के अंदर नीतीश कुमार जी को कमजोर करने में लगे, और अब उसका पुष्टि हो गया, क्योंकि अंततो गत्वा बुद्धम शरणम गच्छामि, वहीं चले गए जहाँ जाना था। इस बिहार में तो बहुत चर्चा होती थी, हम लोग तो उस समय वही पार्टी के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार जी ने उनको अध्यक्ष अपने इस्तीफा दे दिया था, उनको अध्यक्ष बनाया था, तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि वो क्या था आरसीपी टैक्स, जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था।